हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWIS यानी कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंटरकनेक्शन सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि सब मॉड्यूल 7 के बारे में बात करने हैं हम, मॉड्यूल 7 यानी मेंटेनेंस प्रैक्टिस के बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें मेनली जो आज की वीडियो में हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग, यानी इनमें डिफरेंस क्या है, इनका क्या यूज होता है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम EWIS स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर EWIS होता क्या है। तो ध्यान रखिए, EWIS उन सारी चीजों को इंक्लूड करता है जो किसी भी तरह से वायर या फिर वायरिंग से रिलेटेड किसी भी डिवाइस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि बस बार्स हो गए। अब बहुत लोगों के मन में भी सवाल आता है कि बस बार होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे घरों में आप इलेक्ट्रिकल वायर का यूज करते हैं ना, इसी तरह से एयरक्राफ्ट में जो बहुत हाई रेटिंग की करंट को होता है पास कराने के लिए हम बस बार का यूज करते हैं। ये जनरली सॉलिड मेटल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, कॉपर के पार्ट्स जनरली होते हैं और इनका यूज किया जाता है ताकि हम हाई एम्पियर के करंट को भी पास करा सकें, ठीक है। फिर बात आती है इसी के अंदर कनेक्टर्स, टर्मिनल, स्विचेस, रिलेज, ये सारी चीजें जो कुछ भी हमारे वायर या फिर वायरिंग से रिलेटेड होती हैं वो हमारे EWIS के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। अब इसके और हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग की बात करेंगे, बहुत ही ढंग से इसमें बात करेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि आखिर ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बॉन्डिंग क्या होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो तभी फ्लो कर सकता है जब उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस हो, ठीक है, यानी कि वोल्टेज कम या ज्यादा हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप पानी मान लीजिए, ठीक है। पानी क्या होता है, आप अपने घरों में यूज करते हैं, टोटी यूज करते हैं जहां से पानी आप लेते हैं, आप हमेशा देखते हैं जो टंकी होता है, जो टैंक होता है पानी का, वो हमेशा छत पे रखा जाता है, ठीक है। ऊपर क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब हम उसे ऊपर रखते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल जो है खुद का जनरेट हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल पावर अगर आप जानते होंगे तो हाइट की वजह से उसमें खुद की एनर्जी आ जाती है जिसके कारण वो आपको नीचे तक, ग्रेविटी की वजह से पानी आप तक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका टोटी होता है ना वो लो प्रेशर पे होता है और जो आपका पानी रखा हुआ है वो हाई प्रेशर पर है। तो हाई प्रेशर पर पानी है, लो प्रेशर पर आप उसे यूज कर रहे हैं, तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमें पानी आसानी से मिल जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी तभी फ्लो करेगी जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करेगी इलेक्ट्रिसिटी, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट के अगर सारे पार्ट को हम सेम पोटेंशियल पर कर दें, यानी उनके पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही ना रह जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी। तो फिर बात आती है इनका यूज कैसे करते हैं और क्या क्या चीज है। देखिए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट के हर एक पार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। और जब आप एक दूसरे के साथ उसे कनेक्ट कर देंगे तो सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी और कौन से पार्ट, तो ये सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल नहीं होते हैं, यानी कि जैसे आपके स्ट्रक्चर हो गए, फ्लैप हो गए, आपके प्राइमरी पार्ट्स हो गए, सेकेंडरी पार्ट्स हो गए, इन सारी चीजों को, किसी इंस्ट्रूमेंट को नहीं, हाँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के केस को, जैसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो डब्बा लगा होगा उसको कर देंगे, तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा। देखिए, एयरक्राफ्ट बहुत ही तेजी के साथ हवा में उड़ती है, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। जब वो हवा में उड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है एयर मॉलिक्यूल्स के साथ उसका फ्रिक्शन होगा, और हम जानते हैं कि जब कभी भी फ्रिक्शन होता है तो स्टैटिक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, यानी उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस डेवलप होती हैं। वो चार्जेस जब उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट करेंगी तो वो कहीं ना कहीं फ्लो होना चाहेंगी, और जैसे ही वो फ्लो होना चाहेंगी, अगर वो फ्लो करेंगी और आप उसके अंदर बैठे हैं तो क्या होगा, आपका तो भुजिया बन जाएगा अंदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करंट होता है, बहुत ही हायर अमाउंट में, लैक्स ऑफ अमाउंट में करंट होता है। या फिर मान लीजिए एयरक्राफ्ट चल रहा है उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई, वो भी लैक्स ऑफ वोल्टेज के करंट होते हैं। ऐसे केसेस में क्या होगा, जो अंदर यात्री बैठे हैं, जो पैसेंजर्स बैठे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है और भी अलग अलग कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हम करते क्या है, हर एक पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, और उस वायर को हम स्पेशली बोलते हैं बॉन्डिंग जम्पर, ठीक है। और इस बॉन्डिंग जम्पर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, अप्रॉक्सिमेटली 0.003 ओम के बराबर होता है, ठीक है। अब हम जब सारे पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रह गया, तो ऐसे केसेस में जो भी बाहर की इलेक्ट्रिसिटी है, जो बाहर से एयरक्राफ्ट को अफेक्ट कर रही है, वो एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं जा पाती और फ्लो नहीं करने पाती, ठीक है। तो फिर हम इसको डेसिपेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो एयरक्राफ्ट लैंड करेगा ना, तो इसको दो तीन तरीके हैं हमें डेसिपेट करने का। सबसे पहला होता है स्टैटिक डिस्चार्ज विक्स, ठीक है, जो आप जनरली एयरक्राफ्ट के हर ट्रेलिंग एज में देखते हैं, चाहे वो विंग्स का हो गया,
ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हो गया, तो पीछे के साइड में ये स्टैटिक विक्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं धीरे धीरे करके जो भी चार्जेस एक्युमुलेट होते हैं उसको एटमॉस्फेयर में ही रिलीज करते चले जाते हैं। इसके अलावा पुराने जमानों में अब भी कभी कभी एयरक्राफ्ट के जो नोज व्हील होते हैं ना उसमें एक छोटा सा चैन लटका हुआ होता है, तो जो कोई भी चार्ज स्टैटिक विक्स जो है उनसे बच जाता है, जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है ना तो वो चैन जमीन में जैसे ही रनवे पर टच होता है सारा का सारा चार्ज जो है अर्थ में ग्राउंड कर देता है, ठीक है, अर्थ में चला जाता है। तो ये बात हो गई बॉन्डिंग की। अब बात आते हैं ग्राउंडिंग क्या होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बचपन में आपने पढ़ा होगा कोई भी सर्किट हो, जनरल भी सर्किट होती है, तो उसे कंप्लीट होना होता है, यानी कि करंट निकलता है बैटरी से, फिर वो किसी बल्ब को चलाता है, फिर वापस आके बैटरी में जाता है, ऐसा एक फिगर आपके मन में बन रहा होगा, मैं फिगर बगल में दे दूंगा आप देखिएगा। तो ऐसे एक साइकिल चलता है तब जाकर के करंट फ्लो होती है। अब एक बात बताइए, ये साइकिल कहीं भी हो, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो चाहे जहां भी हो हर जगह पर उसे करना होगा, ठीक है। अब बात क्या आती है, जब एयरक्राफ्ट की हम बात करते हैं तो यहां पर जितने भी कंडक्टिव पार्ट्स होते हैं हमारे, जितने भी कंडक्टिव पार्ट होते हैं उन सभी कंडक्टिव पार्ट तक हमें करंट पहुंचाना होता है। अब इन केस या तो वो नॉर्मल कंडीशन में हो या फिर वो फॉल्ट हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, करंट वहां से निकलेगा और निकल करके कहीं भागना चाहेगा। भागने के लिए जो हम रास्ता उसे प्रोवाइड करते हैं, ये जनरली एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम ही होता है, क्योंकि जो एयर फ्रेम होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है, एल्यूमिनियम हम जानते हैं एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, तो जनरली हम एल्यूमिनियम का ही यूज कर लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो एक स्पेशल पार्ट हम प्रोवाइड करते हैं अपने एयरक्राफ्ट को, जहां से हमारी जो रिटर्न करंट है, यानी एयरक्राफ्ट के अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट के अंदर या जहां कहीं भी हमने करंट तो भेज दिया, लेकिन जब उसे रिटर्न होना है यानी वापस आना है, ऐसे पाथ को प्रोवाइड कराना ही ग्राउंडिंग कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम घरों की बात करते हैं या कॉमर्शियल यूज की बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में जो करंट हम रिटर्न करते हैं उसे ग्राउंडिंग कहते हैं, ठीक है, और अगर यही करंट फॉल्ट वाली होती है तो उसे अर्थिंग कहते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट क्योंकि हवा में होता है तो वहां अर्थिंग का कोई जुगाड़ नहीं होता ना, आप इलेक्ट्रिसिटी को जमीन में हवा से नहीं भेज सकते, इसलिए वहां पर चाहे नॉर्मल कंडीशन हो या फॉल्ट कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में से ग्राउंडिंग ही कहा जाता है। ये आप अपने इस सब मॉड्यूल में जाकर के देख भी सकते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपका जो ग्राउंडिंग है वो एसी अलग है, डीसी अलग है, माने कि आप जब एसी वाले को ग्राउंड कर रहे हैं, डीसी वाले को ग्राउंड कर रहे हैं, तो इन लोग को अलग अलग ग्राउंड करिए, ठीक है, ये नहीं कि एक साथ मिक्सचर कर दीजिए। ऐसे कंडीशंस में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने की, कपलिंग एक प्रॉब्लम होती है, वहां से भी इफेक्ट यहां पर जनरेट होता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप बॉन्डिंग के लिए कोई भी चीज, कोई भी वायर यूज कर रहे हैं तो वो साफ हो, ड्राई हो, क्लीन हो, ये सारी चीजें आप तो खुद से बुक से पढ़ सकते हैं, टेक्निकल चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सबसे पहले जब आप EWIS को खोलेंगे, बाकी की चीजें हम अगले वीडियो में यानी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए यूनिक एविएशन, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आया करे तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सबको पहुंचाइए, सब तक पहुंचाइए, क्योंकि देखिए एविएशन की वीडियोस कम है इस कारण से मैं वीडियोस बनाता हूं, और सब तक वीडियो पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।